बड़ी खबर आपको बता दें, कल बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक संसद भवन परिसर में होनी है और यहां आपको यह भी बता दें कि सुबह 9:30 बजे से यह बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी सांसद शामिल होंगे, तो पीएम मोदी सहित सभी सांसद शामिल होंगे। तो बीजेपी संसदीय दल की यह बैठक जिस पर नजर हमारी है, क्या कुछ और जानकारी इस पर है, सीधे रुक कर लेते हैं नीरज, हमें बताएंगे नीरज। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और पार्लियामेंट्री पार्टी के चूंकि अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 राज्यों की जीत के बाद ये पहली पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी, तो इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा, उनको बधाई दी जाएगी, एक भव्य तरीके से उनको उनका स्वागत किया जाएगा, माल्यार्पण किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत है। तो कल बहुत महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है और देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़ी जीत के बाद, जहां मोदी की गारंटी ने अपना कमाल दिखाया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को, अपने सदस्यों को क्या मैसेज देते हैं, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और सबकी निगाहें इसी पर है। ठीक है नीरज, आप रहिए हमारे साथ, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, प्रधानमंत्री सहित सभी सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए पीएम आवास पर 2 घंटे से बैठक चल रही है, अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक जारी है, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री पर चर्चा इसमें संभवतः हो रही है। कल भी पीएम आवास पर 4 घंटे तक बैठक हुई थी, कल नड्डा और शाह के साथ प्रधानमंत्री ने मीटिंग की थी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज भी प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री की ये मीटिंग जारी है। 2 घंटे हो गए नीरज, ये चर्चा लगातार हो रही है, क्या हो रहा है अंदर, किस चीज को लेकर, क्या अभी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम का चयन होना है, अभी तक तय नहीं हो सका है, लगातार बैठकें जारी हैं। कल भी हमने देखा करीब 4 घंटे तक प्रधानमंत्री आवास पर लंबी बैठक चली। इस बैठक को भी उसी से जोड़ के देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सबके बीच में जो बैठक हो रही, वो उसके पीछे का मजमूम यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा इन 3 राज्यों में, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि ऐसी चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में उप मुख्यमंत्री का भी पद भारतीय जनता पार्टी सृजित कर सकती है, तो कौन होगा मंत्रिमंडल में कौन होगा, क्योंकि भाजपा जब भी कोई इस तरह का काम करती पूरी तैयारी के साथ करती है। अभी पर्यवेक्षक के नाम सामने नहीं आए हैं, कौन पर्यवेक्षक बन के जाएगा ये भी तय नहीं हुआ है, तो माना यह जा रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को एक से दो दिन और लग सकते हैं, जिसमें पूरी कैबिनेट, हर तीनों राज्यों में कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, वहां का विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, ये सब तय होने के बाद ऑब्जर्वर तय होंगे, तो मुझे लगता है कि उन्हीं सब विषयों को लेकर लगातार बैठक जारी है। नजर रखिएगा आप नीरज, फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।